गुड मॉर्निंग। एक नया व्लॉग में आप सबको स्वागत है। और अभी 8:45 हो रहे होंगे क्योंकि अभी अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकले हैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक है मेरी, हेडेक नहीं है, कभी कभार थोड़ा बहुत कुद रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। और भूख बहुत लग रही है मुझे, खाने की इच्छा नहीं हो रही है बट भूख बहुत लग रही है। तो मैंने सुबह ही मतलब हस्बैंड के साथ ही रोटी और एक पोज बना के, क्योंकि सब्जी वब्जी बनाने के लिए टाइम लगेगा, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो हस्बैंड को बोला अंडा खा लेते हैं, तो बोले ठीक है वही कर दो। तो पोज बनाया और फिर अभी चाय ली, बनाई थी मैंने, ये चाय पी रही हूँ। पोज और रोटी खा ली मैंने, पर मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो संडे शायद ब्लड टेस्ट के लिए जाऊंगी, कहीं शुगर वुगर तो हाई नहीं हुआ है, क्यों ऐसा हो एकदम अचानक से एकदम। एक तो ये तो अच्छी वाली तो थी बिल्कुल, और एक प्रॉब्लम भी हुआ था मेरे घर पे, अब दिखा रही हूँ आपको, देख रहे हो ये सब खोल खल के रखा गया है अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ से इन्वर्टर का जो लाइन है ना, वो यहाँ से वायर कहीं से पीछे से निकल के पीछे की तरफ लिया गया था और यहाँ से ज्वाइन किया गया था ना, इन्वर्टर का यहाँ से ज्वाइन किया गया था। तो ये देख रहे हो ये जोड़ के रखा गया है, ये तार है ना अंदर से कट गया था। तो एकदम इन्वर्टर के अंदर से परसों शाम को शायद आवाज़, एक तो मेरी सर दर्द हो रही थी इतनी, और ये लाइट चली गई अचानक से। आई लाइट चली गई मतलब इन्वर्टर से कू 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 करके आवाज़ आ रही थी। और फिर मैं ना फ्रंट कैमरे में लेके बात करती हूँ, ठीक है, ये बोरिंग लगता है। एकदम से आवाज़ आनी शुरू, एक्चुअली उससे पहले नहीं आ रही थी, मेरे हस्बैंड जब घर आए ना, उस मतलब वो उधर को कपड़े चेंज करने के लिए गए, मतलब कपड़े मशीन में डालने के लिए गए, तो उस टाइम पे उनको सुनाई दी, लेकिन मैं वहीं पे बैठ के सब्जी काट रही थी, बट मुझे सुनाई देती, मैं तो किचन में ही काम कर रही थी। उनसे पहले, उनके आने से पहले मैं चावल बना चुकी थी, सिर्फ मुझे फिश बनाना बाकी था, मैं कांदा काट रही थी, बट मैं वहीं पे बैठी थी। अगर उससे पहले से अगर आवाज़ आती तो मुझे सुनाई देती, लेकिन पहले से आवाज़ नहीं आ रही थी, उसी टाइम स्टार्ट हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि वो थे और घर पे उसी टाइम स्टार्ट हुआ आवाज़ आना, मैं तो घबरा जाती, नहीं तो कि क्या हो रहा है यार, तो मेरा ध्यान ही नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरफ मुझे आना होता ही नहीं है। नहीं तो मैं ड्राइंग रूम में रहती हूँ, नहीं तो मैं बेडरूम में, ज़्यादातर तो मैं बेडरूम में ही रहती हूँ अगर काम नहीं होता इस साइड तो इधर का काम कंप्लीट करके मैं बेडरूम में ही चली जाती हूँ। तो इनको आवाज़ सुनाई दी, इन्होंने तुरंत बंद किया, बंद करके फिर जैसे ही बंद किया तो पूरे घर की लाइट ठप। और उस दिन वो लेट आए थे थोड़े, तो शाम होने लगी थी, फिर मैंने भगवान की चार्जिंग की, एक लाइट है वो निकाल के, जो पॉइंट चालू है जो इन्वर्टर में कनेक्टेड नहीं है वहाँ पे चार्जिंग पे रखी और लाइट चालू की। फिर इन्होंने, इनके पास गाड़ी में हर एक सामान, गाड़ी में घर में हर एक टूल्स है वो सब लेके लेके खोला इन्होंने। खोल के फिर ये पाए, पहले तो हमें लगा कि बैटरी ख़त्म हो गई होगी, बहुत साल हो गया है, बैटरी ख़त्म हो गई होगी, बट ये था कि वायर बीच से खुल गया है। फिर उन्होंने बहुत मेहनत करके फिर से मतलब पूरा उस दिन रात के लिए तो सिर्फ बेडरूम का जो एसी का वो था ना, एसी का पॉइंट था, एसी चल रहा था, लाइट फैन नहीं चलेगा तो, क्योंकि एसी इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड नहीं था तो एसी चल रहा था। ये पहले तो यहाँ पे काम किया, तो इस रूम का एसी चालू करके ही काम किया, बहुत गर्मी थी उस दिन, और ऐसे ही मुझे भी हेडेक हो रहा था बिल्कुल, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर एसी के साथ उन्होंने उस रूम का लाइट और पंखा कनेक्ट कर दिया, तो उस दिन रात को तो चल गया। फिर दूसरे दिन मतलब सुबह उठ के थोड़ा सा ही उन्होंने किया तो काम किया, उतने में पूरा घर का लाइट तो वापस आ गई, लेकिन इन्वर्टर का कनेक्शन जो है उसको अलग कर दिया गया है। बाद में मतलब अभी संडे वो करेंगे, अभी इन्वर्टर को वापस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इन्वर्टर का कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। पहले हमें लग रहा था इलेक्ट्रिशियन बुलाएंगे और इन्वर्टर का बैटरी वापस से डलवाना पड़ेगा, लेकिन बैटरी का कोई इशू नहीं है, वो तो तार की वजह से ही अलग हो गया है, तो संडे वो वापस करेंगे इसको, ठीक है। तो
तो चलो, मैं आज सोच रही हूँ बहुत कुछ का। 2 दिन से मैंने काम अच्छे से कर नहीं पाई ना। एक दिन तो मैं मंडे तो मैं आराम करके निकाली। ट्यूसडे भी बहुत मतलब ऐसे मेंटली आराम करके निकाली कि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करना नहीं है, क्योंकि उस दिन तो पूरा फैला हुआ पड़ा था मंडे। फिर थोड़ा सा काम समेटने लगी। मंडे से ही थोड़ी थोड़ी हेडेक हो रही थी, और वेनसडे तो आज फ्राइडे है ना, वेनसडे बहुत ज़्यादा था। वेनसडे बहुत ज़्यादा था मुझे हेडेक, बहुत पूरे दिन। वेनसडे ट्यूसडे रात को बिल्कुल नहीं सो पाई थी, तो वेनसडे दिन बिल्कुल बर्बाद गया। हाँ, वेनसडे के दिन बहुत खराब गया। थर्सडे भी बहुत खराब गया। 2 दिन बिल्कुल बिल्कुल खराब गया मेरा। वेनसडे तो फिर भी स्कूल किया, उसी को लेके मतलब कंटिन्यू किया काम वाम। थर्सडे तो बिल्कुल बर्बाद गया। आज अच्छा लग रहा है। चलो फिर काम करूंगी, फिर मिलूंगी। ठीक है। बज रहा है, नहा के आई हूँ अभी, और शैम्पू करना था, शैम्पू किया। और बहुत जोर की भूख लगी है, भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझे। इतनी जोर की भूख लग रही है ना, तो फटाफट अभी इंस्टेंट मैं उपमा बनाऊंगी। दही रखी है फ्रिज में, मुझे उपमा के साथ दही खाना बहुत अच्छा लगता है, तो दही के साथ मैं उपमा बना के खा लूँ, क्योंकि मुझे जल्दी मेरे पेट में कुछ जाए ऐसी मुझे फील हो रही है। मुंह पूरा कड़वा हो रखा है। ये एक्चुअली ना, मुझे जब कोरोना हुआ था 3 साल पहले, सेकेंड वेव में कोरोना हुआ था, हम तीनों को हुआ था, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हॉस्पिटलाइज थे। उस टाइम मुझे मेरी ना वो दिया, स्टेरॉयड दिया था ना, इसकी वजह से शुगर लेवल बहुत हाई हो गया था। तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ना, वो लोग इंसुलिन देने आते थे। इंसुलिन जैसे ही देते थे ना, मुझे इतनी भूख लगती थी और हाथ पैर ऐसे कांपने लगते थे, और अगर खाना आने में लेट होता था बहुत बुरा हाल होता था। तो मैं उनको बोलती थी, भाई खाना आने दो, फिर मैं तुम लोगों को बुलाऊंगी, तब आके इंसुलिन देना। वो खाना पहले मैं देखूँ, फिर मुझे इंजेक्शन देना। वो तुरंत मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी हम लोग कॉर्नफ्लेक्स लेके आए थे, ताकि सुबह पहले उठ के हम तुरंत, इतनी मतलब कमजोरी आ गई थी ना, इतनी भूख लगती थी, तुरंत पहले ये खाते थे, दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स खाते थे, ताकि इंस्टेंट पेट में कुछ जाए और रिलैक्स हो, उसके बाद थोड़ा काम कर पाए, बाकी का आगे का खाना बना पाए। अभी भी मेरी वैसी हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मुझे संडे जाके ब्लड टेस्ट के लिए जाना ही पड़ेगा, कि कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई शुगर वुगर का इशू तो नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मैं अभी रखती हूँ, मैं खाना बना के खा लूँ, और मुझे थोड़ा नहाने जाने में टाइम इसलिए लग गया। मैं कबट जो वार्डरोब है मेरी, वो अरेंज कर रही थी, और उसमें से 2 साड़ी निकाली, इसलिए क्योंकि वो साड़ी है ना, मुझे थोड़ी लंबी ज़्यादा चाहिए साड़ी, क्योंकि नहीं तो फिर प्लीट्स नहीं बैठते हैं,
इसलिए तो ब्लाउज पीस कभर कभी कभार मैंने एक दो साड़ी में निकाली नहीं, क्योंकि मैंने घर से ही, मतलब मेरी बहन ने कर दी थी, तो मैंने उसको बोला था मगर ब्लाउज पीस है तो रहने देना। वो साड़ी पहले से ही बड़ी थी और ऊपर से ब्लाउज पीस भी उसके अंदर अच्छा खासा माप का था, तो पूरा उसने फॉल बिठा दिया था। तो वो साड़ी मुझे इतनी बड़ी पड़ती है, प्लीट्स भी बहुत आते हैं और पल्लू भी बहुत लंबा हो जाता है। तो फिर से उसको उसको तो फॉल बिठा रहा हुआ था, तो फिर से फॉल निकाल के उसका ब्लाउज पीस निकालना पड़ेगा। तो वो एक साड़ी उसने करवाई थी, एक मैंने खुद करवाई थी, तो दो साड़ी बहुत लंबी पड़ती है मुझे, तो इसलिए वो दोनों साड़ी निकाल के रखी है। बाद में लक्ष्मी भाभी को भेज दूंगी, वो निकाल के फिर से फॉल बिठा देंगे। तो ये दो दो साड़ी कबाड़ से निकाली है, जब अभी खाली किया मैंने सब, फिर से अरेंज किया, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि आज छुट्टी है तो सोचा ये काम कर लूँ, अभी फटाफट खाना बना के खा लूँ, फिर बाद में देखी जाएगी, बात का बाद में देखी जाएगी। देखो बातें भी अटक रही है मेरी। मुझे दोपहर को एक रोल खाने का इरादा था। मैदा मैंने सान के रखा था, कल ही सान के रखा था, कल थर्सडे थे था इसलिए मैंने नहीं बनाया था। और फ्रिज में काकड़ी, गाजर, बीट सब कुछ है। मुझे मेरी ऐसी इच्छा थी कि आज दोपहर को मैं एक रोल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, 6 बज रहे हैं, नहीं उल्टा दिखता है मुझे, 6:10 दिख रहा है ना, 5:30 ही हुआ है, मतलब 10 मिनट आगे है, 5:30 से थोड़ी ऊपर। हस्बैंड ने फ़ोन किया था, मैं निकल रहा हूँ, आप आ जाओ, आज बगीचे जाने की बात थी ना, तो इसलिए मैं तो अभी तक रूम में ही थी। ऐ अंधेरा हो गया, रूम ठंडा रहने दो, बंद करके रखा उन्होंने, तो ये भरूंगी, चुनरी लूंगी, थोड़ा सा बाल बनाना पड़ेगा मुझे, फिर जाऊंगी बगीचे में। और जो व्हाइट जामुन लगा था, बहुत दिन हो गया है लगा है, मतलब फूल आया था, इस बार मौसम इतना खराब जा रहा है ना, ठंडी गर्मी ठंडी गर्मी। आम का तो पूरा खेती सबका बर्बाद है, मेरा सिर्फ नहीं सबका बर्बाद है, और जामुन भी लग नहीं रहा है कि होगा करके। तो देखती हूँ, बहुत दिन से मैं गई नहीं हूँ, आज जाके आती हूँ। ठीक है चलो बाल बना लेती हूँ, पानी भर गया, पानी भर लिया, ये रहा ये रहा। ठीक है बाल बना के चुनरी लेके फिर चली जाऊंगी। सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा। इनके यहाँ पे है, बहुत नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत है इस साल के लिए। यहाँ पे देखो ये आम्रपाली, ये भी झुंड में होता है वहाँ पे। वो देखो ये देखो ये क्या कितना होके रखा है भाई, ये देखो ये बाप रे बाप। और हमारे यहाँ पे कछु नहीं, इस साल कछु नहीं, खरीद के खाओ इस बार, हर बार सबको खिलाते हो, इस बार खरीद के खाओ। है क्या करेंगे, भजन करेंगे भजन करेंगे। इसमें भी बहुत फूल आया था बट सब जल गया। ये तो इस बार मेरी ननद की हो गई है। चलो जामुन देखते हैं, वाइट जामुन उसका क्या हाल है। देखो फूल
बस एक किसी का सुख है इस साल, इस बार बाकी पेड़ पौधे सब ऐसे ही खड़े हैं, किसी ने फल नहीं दिया। अरे ये फूल दिया है, बेल फूल बहुत हुआ है, देखो बेली का फूल गया। जाम्बू भी इस बार होने वाला नहीं लगता है। अच्छा नहीं, इतना इतना हुआ है, ये हुआ है, ये तो अभी भी बड़ा ही नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा शेप ले रहा है, स्लो चल रहा है बट हो रहा है, हो जाएगा हो जाएगा। ये देखो इतना शेप है, बहुत बड़ा नहीं बनेगा लेकिन होगा, एकदम ख़राब नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा शेप ले रहा है अभी, ये देखो ये थोड़ा सा शेप लिया है, बहुत बड़ा नहीं होगा इस बार लेकिन हो जाएगा। सुन रहे हो, कुछ तो रेस्पॉन्स करिए। জলের ব্যবস্থা করে দেব বাস আর কি, মানে যা আছে ওইটাই। কেন কেন মানে কেন কেন মানে কিউ কিউ ইনকো খুদ কা খেয়াল খুদ কিউ রাখনা পড়েগা, সিক্রেট বাদ মে খুলেগা, সিক্রেট বাদ মে খুলেগা। আচ্ছা ই এ কাম দেখা মেরে কো, ই রাহা ছোটা ছোটা ই ছোটা দিখ রহা হ্যায়। আচ্ছা আচ্ছা বাত হ্যায়, চলো চলো দিখা দিখা দিখা। मुझे कैमरे में तो नहीं दिख रहा है, इधर है, इधर आईपीएल चल रहा है, हमने बहुत देखा हुआ है, इसलिए आपको फील्ड भी उस तरह की देखने को मिलती है। आपको डिनर हो गया आज का, डिनर फ्रूट्स, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा शाम का खाना है, मुझे नहीं पता कि इसमें मेरा पेट भरेगा कि नहीं, हो सकता है मुझे रात को वापस खाना भी पड़े। ये देखो टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहे हैं, 5 मिनट बाकी है अभी भी। अभी चाय बना के लेके आए हैं, हस्बैंड को भी दिया और मैं भी पी रही हूँ। और एक मज़ेदार बात बताओ आपको, मैंने बोला ना खाली फ्रूट से मेरा नहीं होगा, तो मैंने 2 एग रोल बनाई थी, बना के हस्बैंड के सामने रखा और पूछा कि आप खाएंगे क्या, ऐसे तो वो कभी नहीं खाते, कुछ भी बना के रखो नहीं खाते वापस, लेकिन उनको शायद खाने की इच्छा रही होगी, आज पेट नहीं भरा होगा, तो बोलते हैं कि मेरे सामने ऐसी चीज़ रख के पूछते हो कि खाओगे क्या, मैं क्या बोलूँ अभी। एक उन्होंने खाया, एक मैंने खाया, और आज वाला व्लॉग मैं ही पे फिनिश करती हूँ। हम सोने से पहले भी चाय पी सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, चाय कभी भी पी सकते हैं। बाकी सारा काम हो गया मेरा, सिर्फ सोने से पहले एक बार चेंज कर लूँगी, हो जाएगा ठीक है। मैं तो फिलहाल आ गई हूँ रूम में, तो आज के लिए यहीं पे गुड नाइट करती हूँ, फिर मिलूँगी नए किसी ब्लॉग में, ओके okay?